हिंदी सिनेमा जगत के स्वर्णिम युग में ऐसे कई महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने सिनेमा जगत को खुशी के कई पल दिए। इन्हीं बेहतरीन कलाकारों में से एक है राजेंद्र कुमार जुबली स्टार। राजेंद्र कुमार का अभिनय की दुनिया में एक अलग ही मुकाम है। दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार की तिगड़ी के दौर में राजेंद्र कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने न सिर्फ अपना अलग मुकाम बनाया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी की नई इबारत लिखी। जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार बॉक्स ऑफिस की नब्ज को बखूबी समझते थे। उन्हें पता होता था कि दर्शकों को किस तरह की फिल्म पसंद आएगी और किस तरह की फिल्म पसंद नहीं आएगी। तो चलिए राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी के बारे में जानकारी करते हैं। राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी, राजेंद्र कुमार की लाइफ स्टाइल, राजेंद्र कुमार की लाइफ स्टोरी, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रेन, एजुकेशन, फिल्मी करियर, हाउस, नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप लोगों को दिलों में राजेंद्र कुमार के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम राम। पैसे, पैसे। पहलवान जी आपके साथ है। रंग भले की। पैसे। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाबी हिंदू खत्री फैमिली में सियालकोट पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार तुली है। राजेंद्र कुमार के दादा एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता कराची सिंध में कपड़ा व्यवसाय करते थे। देश के विभाजन के दौरान उनके परिवार को सारी जमीन और संपत्ति को छोड़कर भारत आना पड़ा। राजेंद्र कुमार ने पीएचडी कंप्लीट की। उनका चयन दरोगा के रूप में हो गया था, लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से पहले उनके एक मित्र ने उन्हें फिल्मी दुनिया के सब्ज बाग दिखाकर मुंबई बुला लिया। वास्तविकता पता चलने पर उन्होंने मुंबई में ही जमने का फैसला किया। एक मध्यवर्गीय परिवार से होने के बावजूद उन्होंने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा। मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने पिता द्वारा दी गई घड़ी को बेच दिया था, पर मुंबई आकर अपनी किस्मत बदलने का हौसला उन्होंने किसी से नहीं लिया। राजेंद्र कुमार सुंदर होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी बहुत ही दृढ़ अभिनेता थे। उन्होंने निर्देशक H.S. रवैल के साथ सहायक के रूप में काम किया। करीब 5 साल तक उन्होंने रवैल के साथ पतंग, सगाई, पॉकेटमार जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। उन्होंने 1949 में फिल्म पतंग में एक कैमियो के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। एक अभिनेता के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। यहीं से वह लगातार सफलता प्राप्त करते चले गए। पहली बार फिल्म जोगन में उन्होंने अभिनय किया और इसके बाद अपने हर रोल में वह खुद ब खुद फिट होते चले गए। इसके बाद गूंज उठी सहनाई में पहली बार एक अभिनेता का तौर पर दिखे। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान के फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार ने जो अभिनय किया उसे देख आज भी लोग प्रफुल्लित हो उठते हैं। फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार ने नरगिस के बेटे का रोल किया था। मदर इंडिया के बाद राजेंद्र कुमार ने धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज आदि जैसे सफल फिल्मों में काम किया। एक बार उनकी एक साथ 6 फिल्में सिल्वर जुबली हिट हुई। यद्यपि राजेंद्र कुमार 1960 के दशक में भारतीय रजत पट पर छाए रहे, उनकी अनेक फिल्मों ने लगातार रजत जयंती सिल्वर जुबली की, इसलिए उन्हें जुबली कुमार कहा जाने लगा। 1970 का दशक उनके लिए प्रतिकूल रहा क्योंकि उस समय में राजेंद्र कुमार की गंवार, तांगे वाला, ललकार, गांव हमारा, शहर तुम्हारा, आन बान आदि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और उनकी मांग घटने लग गई। सन 1970 से 1977 तक का समय उनके लिए अत्यंत दुष्कर रहा। सन 1978 में बनी फिल्म साजन बिना सुहागन, जिसमें उनके साथ नूतन ने काम किया था, ने फिर से एक बार राजेंद्र कुमार का समय पलट दिया और वे फिर से दर्शकों के चहेते बन गए। राज कपूर ने अपने फिल्म संगम और मेरा नाम जोकर में बतौर सहायक हीरो के रूप में काम किया। राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म 2 जासूस में भी काम किया और उन्हें दर्शकों की सराहना मिली। उनके दौर के फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजिडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है। बतौर निर्माता निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी लव स्टोरी, जो अपने समय की बड़ी हिट मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने सुपुत्र कुमार गौरव को लिया था। साथ ही उन्होंने फूल, जुर्रत, नाम, लवर्स आदि फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने मानद मजिस्ट्रेट के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
हिंदी फिल्म कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लागियो के लिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेंद्र कुमार ने शुक्ला से शादी की। इन दोनों के एक बेटा कुमार गौरव और दो बेटियां डिंपल तुली और काजल तुली। इनके बेटे कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त और नरगिस के लड़की नम्रता दत्त से हुआ। राजेंद्र कुमार के नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ अबाउट $50 मिलियन था। 71 साल की उम्र में 12 जुलाई 1999 को कैंसर के कारण मुंबई में राजेंद्र कुमार का निधन हो गया।